टिकटॉक के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। टिकटॉक ने आम लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया है और बहुत तेज रफ्तार के साथ टिकटॉक भारत के सोशल मीडिया बाजार पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। पर मेरा खुदा जानता है कि मैंने सिर्फ तुझे प्यार किया। ओ गोली के बिना बात कर लिया कर, उई होती है यहाँ पे। दूसरी ओर फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही सरताज बनकर बैठा है। शायद इसी वजह से भारत में फेसबुक और टिकटॉक के बीच दिलचस्प जंग चल रही है। दोनों कंपनियों के बीच नई पीढ़ी के यूजर्स को जोड़ने की होड़ मची हुई है। देश में युवावादी काफी ज्यादा है। ये चीज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बनाती है। चीन की कंपनी इधर भारतीय इंटरनेट बाजार में फेसबुक को चुनौती दे रही है। ऐसे में अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के लिए इस बाजार पर अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए चुनौती है। टिकटॉक के मुताबिक भारत के अगले 20 से 40 करोड़ यूजर्स अपने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर टिकटॉक का इस्तेमाल करेंगे। वे लोग अपनी जिंदगी के खास मौकों को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ग्लोबल ऑडियंस के साथ भी साझा कर सकेंगे। इस लिहाज से भारत हमारे लिए काफी शानदार मार्केट होने वाला है। स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत में फेसबुक के तकरीबन 30 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि 20 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स में 12 करोड़ मंथली बेसिस पर सक्रिय रहते हैं। स्टैटिस्टा का दावा है कि 2020 तक भारत के लगभग 67% इंटरनेट यूजर्स 35 वर्ष से कम उम्र के होंगे। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। एडवर्टाइजिंग और मीडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक फिलहाल फेसबुक को चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी के पास एडवर्टाइजर्स के लिए काफी बड़ी ऑडियंस है। हालांकि भारतीय बाजार में दोनों ही सोशल मीडिया कंपनियों के सामने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को साथ जोड़ने की कड़ी चुनौती है। ग्रुप एम में डिजिटल मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट शेखर शर्मा का कहना है, भारत के 50% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। ऑनलाइन वीडियो और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी बदौलत टिकटॉक लीडिंग सोशल वीडियो ऐप बन गया है। उन्होंने कहा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट वीडियो कैटेगरी तक ही सीमित है, इसलिए हाल फिलहाल ये फेसबुक के लिए खतरा नहीं बन सकता। टिकटॉक चीन के स्टार्टअप बाइट डांस की यूनिट है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के मुताबिक 2019 की पहली तिमाही में टिकटॉक को 18.8 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया था। इसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 47% है। जनवरी मार्च तिमाही में फेसबुक 17.6 करोड़ डाउनलोड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस तिमाही में उसे भारत से 21% नए ग्राहक मिले। इससे पहले 2018 के आखिर में फेसबुक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप था। इस डेटा से जाहिर तौर पर फेसबुक की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि उसके लिए राहत की बात ये भी है कि फेसबुक का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर भी होता है।